हिमाचल प्रदेश के लिए प्रथम चरण में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर की गई है। हवाई मार्ग से ये डोज शिमला पहुंचेगी, जहां से 12 वातानुकूलित एम्बुलेंसों से वैक्सीन 46 सेंटरों तक पहुंचाई जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू होने वाली है। इसके लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिमला, मंडी, धर्मशाला को वैक्सीन स्टोर करने के मुख्य केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल में पहले चरण में कोविडशील्ड वैक्सीन के 93,000 डोजेस आएंगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन को शिमला हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जाएगा। इसका भंडारण राज्य वैक्सीन स्टोर परिमहल शिमला तथा क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर मंडी व धर्मशाला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला के IGMC व मेडिकल कॉलेज टांडा से इसका वेब के माध्यम से लाइव किया जाएगा, ताकि प्रदेश भी सरकार के साथ इस क्षण में हिस्सेदार बन सके। सरकार के अधिकारी लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर सके। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में राज्य में कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मी तथा तमाम वे लोग जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी सेवाएं आगे आकर दी हैं, उन्हें पहले ये वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसमें राज्य, केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए 46 स्थलों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि 93,000 में अगर 10% वैक्सीन में खराबी पाई जाती है तो 85,000 बचेगी, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 41 से 42,000 लोगों को 2 डोजेस मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थाओं में 100 लोगों को, CHC में 80 लोगों को तथा इससे नीचे वाले स्थानों में 50 लोगों को प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे 4 से 5 हजार लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। पहली डोज व दूसरी में 28 दिन का अंतराल होगा। दूसरी डोज के 14 दिन बाद असर नजर आएगा। इस तरह इलाज की पूरी अवधि 42 दिन की होगी। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान सभी को कोविड के सभी नियमों का पालन करना होगा। इस समय जो हमें बताया गया है कोविशील्ड की 93,000 93,000 डोजेस हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराई गई हैं। 46 जगहों पर वो लगेंगी। 93,000 में से आप ये मान के चलिए कि कुछ खराबी होने की संभावना रहती है, जो नियमानुसार 10% तक है। अगर हम ये मान के चलें कि इस सारे प्रोसेस में 7-8 हज़ार इंजेक्शन्स को कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो हमारे पास 85,000 के आसपास इंजेक्शन्स हैं, विच मीन्स कि अगर 2 डोज एक व्यक्ति को लगानी है तो इसमें हम 41-42 हज़ार लोगों को ये डोज फर्स्ट गो में लगाएंगे। और जिस तरह से वो 46 सेंटर्स की बात की गई है और ये कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज और इस तरह की संस्था में 100 लोगों को, जो CHC है उसमें 80 लोगों को, उससे निचले स्तर पे 50 लोगों को, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4 से 5 हज़ार जो इंजेक्शंस हैं या जो वैक्सीन्स हैं वो एक दिन में हम लगा सकते हैं। सो अगर इसे हम बड़े ध्यान से देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह से 10 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज सरकार ने करके रखी हैं उसके अनुसार, और भारत सरकार ने जिस तरह से इस चीज़ को विजुलाइज किया है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अभियान है। सो हमने ये इस तरह से वर्कआउट किया है कि इन 46 सेंटर्स में कहीं हमारे कोई मेडिकल ऑफिसर होंगे जिनसे शुरुआत हम करेंगे, कहीं हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उनसे शुरुआत करेंगे, कहीं हम सफाई कर्मचारी से शुरुआत करेंगे, कहीं हम जो हमारी आशा वर्कर है उससे शुरुआत करेंगे, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर से शुरुआत करेंगे, जो हमारी ANMs हैं उनसे शुरुआत करेंगे, ताकि वो लोग जिन्होंने कोरोना के विरुद्ध सारी लड़ाई सबसे आगे रहकर लड़ी है उन्हें सबसे पहले ये टीका लगाया जाए।